देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। एक विधायक की गौरव और गरिमा, विधायक का वो बनी रहे, ये जिम्मेवारी विधायक की भी है, ये जिम्मेवारी विधायक की भी है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय साहब का त्याग देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है। बड़ा मुझे कष्ट हुआ कि विधानसभा में नहीं आने देंगे। विधानसभा में तो मेरा हक है आने का, विधानसभा मेरा घर है दूसरा। कपड़े बदलना, कपड़े उतारना, ये किसी विधायक को शोभा नहीं देता। और मेरे इन वस्त्रों में कुछ अमर्यादित है या कुछ असंसदीय है, आप मुझे जरूर लिखित में दें, जिससे मैं उनको हटा पाऊँ कि ये श्री राम प्रभु का नाम अमर्यादित है या असंसदीय है, या जो मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया है, या रामायण की चौपाई है, या कबीरदास जी के दोहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की कपड़ों पर आपत्ति जताने और विधानसभा में उन्हें एंट्री न देने को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिन ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीदाबाद NIT विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के कपड़ों पर आपत्ति जताई थी और उनके कपड़ों को अमर्यादित कहते हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एंट्री न देने की बात कही थी, जिसके बाद आज खुद नीरज शर्मा ने ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की और दुख जताते हुए उनसे पूछा कि आखिर मेरे कपड़ों में कौन बात अमर्यादित है। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। एक विधायक की गौरव और गरिमा, विधायक का वो बनी रहे, ये जिम्मेवारी विधायक की भी है। उसके व्यवहार से कहीं किसी प्रकार की एक कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा, इसका भी हर विधायक को ध्यान रखना चाहिए। ये ठीक है कि अपनी मांग रखने का अधिकार हर विधायक को है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी तरीके हैं वो एक गरिमा में तरीके से रहें तो वो विधायक की गरिमा से और बढ़ेगी। तो आप मान रहे सर कि गरिमा के खिलाफ जाके काम करते हैं? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो कपड़े बदलना, कपड़े उतारना, ये किसी विधायक को शोभा नहीं देता। कल मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय साहब का बयान देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है और मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो। इस विषय को लेकर मैंने पहले भी पत्र लिख रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कि 26 जनवरी को मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने उनसे समय भी मांगा था कि आप अपने विशेषज्ञों की टीम को लेकर मेरे साथ बैठें। और मेरे इन वस्त्रों में कुछ अमर्यादित है या कुछ असंसदीय है, आप मुझे ज़रूर लिखित में दें, जिससे मैं उनको हटा पाऊँ। और आज मेरी इसको लेकर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय जी से, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि 7 तारीख को 3 बजे हमारी CLP की मीटिंग है चंडीगढ़ में, हो सके तो मुझे 7 तारीख का समय दें, और जिससे कि वो मुझे बता सकें कि ये श्री राम प्रभु का नाम अमर्यादित है या असंसदीय है, या जो मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया है, या रामायण की चौपाई है, या कबीरदास जी के दोहे हैं। और उस चर्चा के बाद ही मैं निर्णय ले पाऊँगा। और बड़ा मुझे कष्ट हुआ कि विधानसभा में नहीं आने देंगे। विधानसभा में तो मेरा हक है आने का, विधानसभा मेरा घर है दूसरा, और माननीय अध्यक्ष महोदय गार्जियन है हमारे। मैं सब साथियों की जानकारी के लिए ये सब बात लाना चाह रहा था। दरअसल कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने 2 हफ्ते पहले हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अपने सिले हुए कपड़ों का त्याग कर दिया था, जिसके बाद नीरज शर्मा अब सरकार के विरोध में लिखे गए स्लोगन वाले कपड़े पहने हुए हैं। नीरज का आरोप है कि 2 महीने से विकास कार्यों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित है, इसे पास नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उनके विधानसभा क्षेत्र में नरकीय स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ये राशि रिलीज नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें विरोध स्वरूप अपने कपड़े त्यागने को मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एंट्री न मिलने की खबरों के बाद नीरज शर्मा ने ज्ञानचंद गुप्ता से 7 फरवरी को मुलाकात करने का समय मांगा है। अब देखना होगा ये मामला कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।